हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के लिए राकेश किचन को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ राखी और आपका स्वागत है मेरी किचन में। मैं फिर से आ गई हूँ और एक रेसिपी लेके जिसका नाम है ककोड़े की पकोड़ा। ये खाने में ज़बरदस्त लगता है और बनाने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स से जो घर में रहते हैं वही इंग्रेडिएंट्स से आज हम ये ककोड़े की पकौड़ा बनाएंगे। बहुत सारे को ये ककोड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि ये खाने में ज़्यादा टेस्टी नहीं होते हैं, तो इसलिए आज हम ये टेक्निक से ये पकौड़ा बनाएंगे कि किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये किस चीज़ का पकौड़ा है। अगर आप साफ करोगे तो वो ऐसे ही खा लेगा और उसको समझ में नहीं आएगा कि ये किस चीज़ का पकौड़ा है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको और भी डिटेल्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर फॉलो करें। सब्जी का नाम है ककोड़ा, कंतोली, जंगली करेला इसका बहुत सारा नाम है। तो मैं इसको अच्छे से धो लिया और उसके बाद मैं इसको जो ये ऊपर का छिलका है वो अच्छे से निकल के और आगे पीछे का हिस्सा कट के ऐसे छोटे छोटे पीस में कट करके रखी हूँ। तो आप देख रहे हैं और मैं इसका जो सीड्स है वो भी निकल दिया क्योंकि सीड्स खाना मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आपको पसंद है तो आप रख सकते हैं। तो मैंने ले लिया 1 बड़े चम्मच चावल का आटा, 1 बड़े चम्मच मैदा और 2 बड़े चम्मच बेसन। इतने से ककोड़े के लिए ये तो परफेक्ट क्वांटिटी है। नमक अपनी स्वाद अनुसार चाहिए और ज़रा सा हल्दी ले लेंगे 1/2 टीस्पून के करीब और 1 छोटी चम्मच के करीब ले लेंगे लाल मिर्च पाउडर। पकौड़ा थोड़ा तीखा अच्छा लगता है। तो मैंने ले लिया 1 कांच का बाउल क्योंकि इसमें हम बैटर बनाएंगे। तो मैं अब डाल दूँगी चावल का आटा, मैदा और बेसन। तो मैं सारे चीज़ों को अच्छे से मिलाऊंगी क्योंकि ये जो बैटर है वो बहुत अच्छे से बने। तो मैं सारी चीज़ों को एक बार थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। अब मैं नमक ऐड करूँगी, तो नमक अपनी स्वाद अनुसार डालें और ज़रा सा हल्दी पाउडर। और हाँ, ये तीखा मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करूँगी। आप चाहे तो थोड़ा सा बारीक कट के यहाँ पर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने ये लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कर दिया। अब मुझे बनाना है घोल, तो मैंने इसलिए दे दिया 4 से 5 बड़े चम्मच पानी। पानी को एक साथ मत डालिए वरना जो घोल है ये पतला बन जाएगा और पकौड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। क्योंकि ककोड़े का क्वांटिटी भी कम है तो इसलिए घोल हम लोगों को थोड़ा ज़्यादा भारी करना चाहिए। तो देखिए ये थिक बैटर बनके तैयार है। अब मैं इसको 5 मिनट के करीब ऐसे मैं फेंटूँगी ताकि इसमें थोड़ा सा छोटा छोटा बबल्स दिखने लगे। तो देखिए घोल बहुत अच्छे से बनके तैयार है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे ये तेल में ड्रॉप करना है। देखिए आपको ऐसे ककोड़ा लेना है और बैटर में अच्छे से मिला के इसको तेल में ड्रॉप करना है। तो चलिए पकोड़ा बनाते हैं। तो मैंने इस रेसिपी के लिए सादा कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। तो सादा कढ़ाई को मैं बहुत अच्छे से गर्म किया, उसके बाद मैंने दे दिया 100 ग्राम के करीब तेल। मैंने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया, आप भी वही करें। तो मैंने थोड़ा सा बैटर दे के चेक किया कि तेल अच्छे से गर्म हुआ या नहीं। तेल को हल्का सा गर्म होते ही मैं धीरे धीरे सरे पकौड़े को ऐसे डाल दूंगी। तो मैंने सरे जो ककोड़ा है उसको ऐसे बैटर में डुबो के मैंने ड्रॉप कर दिया। फ्लेम को मीडियम पे रखना है और देखिए 1.5 मिनट बाद मैं ककोड़े को पलटने की कोशिश कर रही थी पर ये नहीं पलट रहे थे क्योंकि ये नीचे से अच्छे से कुक नहीं हुआ। तो जब ये कुक हो जाएगा ना तो ये इजीली ऐसे मूव करेगा, तो आप ये पलट सकते हो अभी। तो मैंने सारे पकौड़े को पलट दिया। देखिए पकौड़ा कितना अच्छा बन रहे हैं। ये जो पकौड़ा बनते हैं ना ये बैटर के ऊपर डिपेंड करता है कि पकौड़ा कैसे बनेगा। तो फूडीज मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप पकौड़ा, भाजी, फ्रिटर्स कुछ भी बनाते हैं तो ज़रूर लोहे का कढ़ाई या सादा कढ़ाई यूज़ करें और तेल में रिफाइंड ऑयल यूज़ करें तो पकौड़ा बहुत अच्छा बनेगा। तो हमारा यह ककोड़े का जो पकौड़ा है ये बनके बिल्कुल तैयार है। तो मैं अब इसको सर्व करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं। मैं इसको सर्व करूँगी टोमेटो केचप के साथ। पकौड़ा हमेशा चटनी केचप के साथ ही सर्व करना चाहिए। तो मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ ये पकौड़ा अंदर से कितना अच्छे से बने हैं। आप चाहे तो इसको चाय के साथ नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो देखिए ये पकौड़ा कितना क्रंची और कुरकुरे बने हैं।
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप शाम के नाश्ते के लिए ये पकौड़ा बनाएं और सबको गेस करने देखिए किस चीज़ का पकौड़ा है। अगर रेसिपी बहुत पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ककोड़े को आप लोगों के स्टेट में क्या बोलते हैं। मैं फिर से आती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।